वेलकम टू श्वेता लाइफ एंड स्टाइल चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल। अभी मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी वेजिटेबल जो हमारे घर में इजीली अवेलेबल भी होता है और बहुत ही इंस्टेंट और अच्छा बनता है और बच्चे भी इसे बहुत ही खूब से खाते हैं। तो आज मैं बना रही जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। तो एक्चुअली ये बनाने का मुझे एक इसके पीछे मोटिव है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले क्या है कि कल मैंने ना रात को पिज़्ज़ा बनाया था, तो उसमें ना थोड़े से जो टॉपिंग्स है जैसे कि शिमला मिर्च है, कांदा है या थोड़ा बेबी कॉर्न है, और ये सब बचा हुआ था क्योंकि मेरे जितने पिज़्ज़ा में इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे हो चुके थे। तो उसके बाद मैंने जो बचा हुआ वेजिटेबल उसको एक डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में रख दिया था। तो आज मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि मुझे उसको वेस्ट नहीं करना है। तो आप भी प्लीज़ वेजिटेबल्स हो या कोई भी फ्रूट्स हो उसको वेस्ट मत कीजिए। जो खाना जितना आप बचा सकते हो उसको रीकुक कर सकते हो वो कीजिए। ये फेंकने की चीज़ नहीं थी तो मैंने फेंकी नहीं, पर आज उसमें मैं और थोड़े इंग्रेडिएंट्स ऐड करके मैं एक अच्छा खासा एक मिक्स वेजिटेबल बनाने जा रही हूँ। आपको भी दिखाती हूँ, तो अंत तक वीडियो देखिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के इस ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए आएंगे। अब मैं आपको सामग्री बता रही हूँ कि मैंने मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए क्या क्या सामग्री ली है। क्या होता है काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि हमारा एक गाजर बच जाता है या एक बटेटा बच जाता है, हमको नया भरना है तो हम ओल्ड चीज़ों को फेंकते नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी वेजिटेबल्स बच गए हैं उसमें से मैं और एक नई वेजिटेबल्स बनाती हूँ जो वेस्ट ना हो और हमारे घर के सदस्यों के पेट में भी अच्छी तरह से जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इंग्रेडिएंट्स। तो ये मैंने सफ़ेद तिल लिए हुए, बहुत ही कम प्रमाण में मैं डालने वाली हूँ टेस्ट और फ्लेवर आने के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं डालना चाहते हो तो आप नहीं डालिएगा, पर मैं ठंडी में खास करके दिसंबर जनवरी में तिल का उपयोग ज़्यादा करती हूँ खानों में। तो अभी आपको मैं आगे का बता रही हूँ। ये है नमक जो स्वाद अनुसार आप यूज़ कीजिए। इसमें है बेबी कॉर्न और अपना कैप्सिकम है, ये बटेटा है और ये आलू है जिसको मैंने धो के अच्छे से कट करके लिया है, ये प्याज है, ये एक मेरा लेफ्ट ओवर गाजर था तो मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ, एक टमाटो है, हींग है, तेजपत्ता। अब ये सारे मसाले हैं, तो राई, जीरा, धना जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मसाला, गरम मसाला और ये आपका कस्तूरी मेथी है। और उसके साथ मैं आपको एवरेस्ट का सब्जी मसाला भी डालने वाली हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये कैसे बनाने वाली हूँ। और तेल ये जो हर इंग्रेडिएंट में हर कुकिंग में चाहिए, तो आपके हिसाब से आप तेल यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी रिफाइंड ऑयल अभी यूज़ करने वाली हूँ, तो वो तो हमेशा रहता ही है। तेल और नमक ये हमेशा खाने में बनाए रखिए। सबसे पहले मैं गैस को ऑन करने वाली हूँ, फिर मैंने प्रेशर पैन रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी तेल। आप देख सकते हो जब आप प्रेशर कुक करते हो ना तो आपको तेल ये अच्छे से ही लेना है। तो अब मैंने तेल ऐड कर दिया है। अभी मेरा जो ये पैन है इसको हीट होने देती हूँ अच्छे से। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सबसे पहले ये तेजपत्ता। अगर आप ठंडी के हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा घी ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें एक टेबलस्पून घी भी ऐड कर सकते हो, पर मैं अभी आज नहीं कर रही हूँ क्योंकि कल ही हमने बहुत सारा घी का खा लिया था। तो आज मैं थोड़ा इसमें घी अवॉइड करूँ, पर आपको अगर इसमें घी ऐड करना है एक टेबलस्पून तेल के साथ तो आप कर सकते हो। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ काफ़ी हल्का सा राई, फिर मैं डालूँगी इसमें जीरा, फिर मैं इसमें डालूँगी एकदम नाम के लिए गरम मसाला, फिर मैं डालूँगी हल्दी। मैं ये सारे मसाले तेल पे ही डाल रही हूँ। अभी डाल रही हूँ धना जीरा पाउडर, सिर्फ मैं लाल जो तीखा है मैं वो लास्ट के लिए रखूँगी क्योंकि वो जल जाता है। अब मैं डाल रही हूँ हींग, फिर मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक, हमारी अभी वेजिटेबल इसको ऐसे भून लो, अच्छी खासी भून लो, अभी अच्छे से भून चुका है।
अब मैं इसमें बाकी के चीजें डालूंगी जैसे कि कांदा वगैरह। तो अभी सबसे पहले मेरा इसमें जाएगा प्याज एक कटा हुआ, फिर उसी के साथ में डालूंगी कैरेट। अब मैं इसको थोड़ा सा यही सब्जी में अच्छा खासा चला लेती हूँ। अभी इसी में मैं डालूंगी आलू। बहुत ही इजी है ये सब्जी, कभी भी आप लेफ्ट ओवर सब्जियों से बना सकते हो। अब मैं इसको भी अच्छे से तेल पे भून लेती हूँ। फिर मैं इसको मैं डालूंगी इसमें टमाटो। काफ़ी स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। आप भी ज़रूर ये घर में बना के देखिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सब्जी मसाला फ्लेवर आने के लिए। अब इसको भी मैं थोड़ा अच्छे से चला लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा लाल तीखा खाने का शौक नहीं है या अच्छा नहीं लगता है या बच्चे लाल तीखे से मतलब उनको नहीं जमता है खाने के लिए, तो आप उसमें एक स्लिट मार के या फिर दो छोटे हरी मिर्च भी डाल सकते हो, पर मैं आज हरी मिर्च नहीं यूज़ कर रही। अब जो मेरा ये जो कल का पिज़्ज़ा से बचा हुआ जो भाजी है वो डाल रही हूँ, सब्जी एक जान कर लेती हूँ। काफ़ी बढ़िया कलर और स्मेल आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से सफेद तिल। इसको भी खास ऐसे चला लो, वो आप सर्विंग में बहुत ही अच्छे लगते हैं वो व्हाइट कलर के तिल। अब मैं इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम जाएगा अभी यहाँ पे इसमें लाल हला हरा मिर्च तीखा वाला, थोड़ा ही डालिएगा तो घर पे बुजुर्ग हो तो खा पाए। इसमें आपको सारे वो आने वाले हैं फ्लेवर्स, जैसे कि आपको आने वाला है खट्टा मीठा स्वाद। अब मैं इसमें डालूंगी एकदम थोड़ी सी कस्तूरी मेथी जो आपको मार्केट में एकदम अच्छे से अवेलेबल हो जाती है, और पेट में हमारे वो कस्तूरी मेथी भी चली जाएगी। ऐसे तो हम अलग से मेथी खाने बच्चे खाते नहीं हैं, पर आप ऐसे में उनके पेट में मेथी जा सकती है। तो आप इसी तरीके से आप, अब मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और अब ये वेजिटेबल को मैं अभी एक अच्छा खासा एक या दो सीटी करके इसको मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और इसका अभी एक या दो सीटी करके मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारी पहली सीटी है, अब मेरा कुकर हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा उठा के देखूंगी और अब ये मेरी भाजी रेडी है। बहुत ही अच्छा ऐसा उसका लुक और इतना अच्छा स्मेल आ रहा है, तो अभी मैं आपको इसको घुमा के भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी ये वेजिटेबल कुक हो चुका है। इसको आप एक या दो सीटी में भी आराम से कुक कर सकते हो, मैंने एक सीटी में किया हुआ है बिकॉज़ जो वेजिटेबल्स है वो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे हैं, तो फ्रेश वेजिटेबल्स हमेशा जल्दी कुक हो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा ऐसा लुक आ चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके बताती हूँ।
अब हमारी ये सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कि मेरी सब्जी में राई है और अपना तिल जो है, सीसम बोलते हैं उसको, वो डाला हुआ है और सारे जो वेजिटेबल्स है वो बहुत ही अच्छे से प्रॉम्प्टली दिख रहे हैं। तो आप भी ऐसे बचे हुए वेजिटेबल्स में से ऐसा खास मिक्स वेजिटेबल्स बना सकते हो और अपने घर वालों को खिला सकते हो। बहुत ही यमी और डिलीशियस बन रहा है, तो आप भी बना के देखिए और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन से आपको ऐसे हर दिन नई नई रेसिपीज़ आपको मिलने आएगी। तो कैसे बचत और कैसे कम समय में आपको बनाना है यही मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि जैसे कि आज की रोज़ की जो ज़िंदगी है वो इतनी फास्ट हो चुकी है कि हमें हमारा हर टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ करने आना चाहिए। तो मैं अपना टाइम काम के साथ घर के लिए कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ ये मैं आपको ये वीडियो में दिखाना चाहती थी। तो चलो बाय। खाने रेडी हो चुका है, अब मैं इसको रोटी के साथ खा रही हूँ ये सब्जी को, और ये मैंने सैलेड लिया है। तो आप भी खाने में सैलेड का ज़्यादा उपयोग कीजिए जिससे आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप ऐसे ही स्वादिष्ट खाना बना के खाइए और हेल्दी रहिए।